मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गेम शो, मतलब मजामा। और अभी देखते क्या क्या होता है, अंदर के हाल देखो, हमारे सिस्टम कैसा हो रखा है। ये आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ मैं कल के क्वेश्चन का उत्तर लेके। तो कल का क्वेश्चन कैसा था, विच टेम्पल्स आर इंक्लूडेड इन चार बड़े धाम ऑफ। और भाई लोगों, मतलब क्या हाल चाल है, फुल पावर ना, फुल पावर ही सबका हाल होनी चाहिए। जो आज का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऐसा है कि नेम द हाईएस्ट ट्रैक ऑफ इंडिया, जो सबसे हाईएस्ट ट्रैक है, सबसे ऊंचा ट्रैक है इन इंडिया, वो कौन सा है, कहाँ है, ये जो भी आपको पता है उसका आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो फुल पावर। और पूरी वीडियो देखा करो और लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक के जाया करो अगर आपको इंजॉय आया है तो। ठीक है ना, इंजॉय लो आगे की वीडियो का। मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गेम शो, मतलब मजामा। तो यही सिस्टम है सारा, फुल पावर सीन चला हुआ है। कॉलेज जा रहे हैं, थोड़ी ठंड हो चुकी है तो जैकेट वैकेट निकल चुकी है, बस इंजॉय चल रहा फुल पावर। जाते हैं कॉलेज, आज प्रैक्टिकल वाइबा है और HOD से मिलना है क्योंकि माँ सबली आई है पूरी क्लास में, क्लास को माँ सबली आ गई है, जो ट्रेनिंग वाला सब्जेक्ट था ये सिस्टम हो गया फुल पावर। अभी जाके देखते क्या होता क्या नहीं होता है ना, ये सिस्टम। कुछ पढ़ेंगे, कुछ नॉलेज लेंगे, कुछ सीखेंगे। और ये सूरज की रोशनी जब चेहरे में लगती है और जब इसकी किरणें निकलती हैं तो उम्मीद की किरणें दिखती हैं, ये सिस्टम है। चलो ठीक है, देखते जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। सीन हो चुका लांटा चौराहे पे, सब चीज़ें ब्लॉक कर दी हैं है ना, फुल पावर जाम लग गया, ये बैरिकेड हो गई, ये हाईवे है सोचो। और यहाँ पर ऐसा सिस्टम है, फुल जाम है, फुल जाम, मतलब कोई सीन ही नहीं है, ऐसा सीन है, जाम ही जाम हो रहा है हर जगह। लोगों क्या हाल चाल है, मतलब फुल पावर ना, बस सिस्टम मूड खराब है भाई, फिर से रिपेयर भरनी पड़ेगी, कॉलेज वालों ने सिस्टम कर दिया खराब। बस अभी भोजन वोजन खा के बाहर निकले, भोजन वोजन कर लिया, फुल पावर क्लास लगाई दो, फिर उसके बाद आ चुके थे बाहर। बाहर आने के बाद खाना वाना खा के अभी बस जा रहे हैं और क्लास लगाने, क्लास लगाने के बाद देखते क्या होता क्या नहीं होता है ना। तो ठीक है, तब तक हमारे साथ बने रहिए और इन्जॉय करते रहिए फुल पावर। एयरफोर्स और भाई लोगों, पहुंच चुके हैं कमरे और अभी देखते क्या क्या होता है, अंदर के हाल देखो, हमारे सिस्टम कैसा हो रखा है। ये ओ माय गॉड, ऐसा सिस्टम सफाई है। आज मोहित भाई की ट्रेन है यहाँ झाड़ू पोछा करने की, फुल पावर झाड़ू पोछा बॉयज। यहाँ ड्यूटीज लगती ना इन्हें, देखो इन्हें पता नहीं क्या हो जाता है। लोगों क्या हाल चाल है, मतलब फुल पावर ना, फुल पावर ही होने चाहिए। आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ मैं कल के क्वेश्चन का उत्तर लेके। तो कल का क्वेश्चन कैसा था, विच टेम्पल्स आर इंक्लूडेड इन चार बड़े धाम ऑफ इंडिया। तो थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बताऊँ, ये आदि शंकराचार्य जी ने इस्टेब्लिश किए थे, उन्होंने खोजे थे, उन्होंने इस्टेब्लिश किए थे एक तरह से है ना। और
ये टेंपल एक हिंदू सर्किट के नाम से भी जानता है, हिंदू टेंपल सर्किट्स। ये अलग अलग इंडिया के अलग अलग जगह में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में सबसे पहले जो टेंपल आता है उसकी बात करूँ तो मैं नॉर्थ से शुरू करता हूँ, वो है बद्रीनाथ टेंपल इन उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट, है ना, अलकनंदा नदी के किनारे, बैंक ऑफ अलकनंदा रिवर। ठीक है, फिर उसके बाद आता हूँ मैं साउथ में आ गया आपका रामेश्वरम टेंपल, ये लॉर्ड भोलेनाथ को समर्पित है, है ना, और ये साउथ कोस्टल के किनारे हैं और एक आइलैंड है, है ना, आइलैंड है। और उसके बाद करता हूँ मैं वेस्ट में है आपका द्वारिका, ये लॉर्ड कृष्णा जी को समर्पित है, जो असली असली द्वारिका था वो तो पानी के अंदर डूब चुकी है और नया इन्वेंट किया है। फिर उसके बाद बात करता हूँ मैं ईस्ट में है आपका जगन्नाथ टेंपल, ये लॉर्ड जगन्नाथ जी को समर्पित है और यही सिस्टम है। और यहाँ आपको पता है कितने तगड़े तगड़े रथ यात्राज निकलती हैं, जो फेमस है पूरे वर्ल्ड में, है ना, ये सिस्टम है। आप भी ट्रैवल कर सकते हो यहाँ अगर आप हिंदू हो तो, है ना, तो मतलब ऐसे कहते हैं कि हिंदू धर्म में अगर आपने चार धाम करें तो आप मोक्ष की प्राप्ति होगी। हर धर्म में अपना अपना सिस्टम है, हमारे धर्म में ये कहते हैं कि अगर आपने चार धाम यात्रा करा, अगर इसका आप दर्शन करने गए तो आप मोक्ष की प्राप्ति करोगे। तो हम भी जाएंगे, एक तो कर लिए बद्रीनाथ, बाकी अभी तीन रह चुकी है, बाबा जी का आदेश होगा तो जरूर जाएंगे। जय शंकर महाराज, एंजॉय करो, पीस आउट करो, फिर मिलते हैं आपको। और हो चुका है, है ना, सनसेट हो रहा है अपना ब्यूटीफुल तरीके से, ये सिस्टम है। चलो ठीक है, कुछ देर बाद अंधेरा हो जाएगा, फिर हम भी अपना चाय वाय पीने चले जाएंगे, अभी बुक पढ़ते हैं फुल पावर, है ना, मिलते हैं थोड़ी देर में ब्रेक के। और भाई लोगों, क्या हाल चल है, मतलब फुल पावर ना, फुल पावर ही सबके हाल होने चाहिए, और सिस्टम सारा सही है ना, सिस्टम भी सही होना चाहिए, है ना भाई लोगों। बस आज का जो कल का जो क्वेश्चन का उत्तर दे के मैं बिजी हो गया था काम पर, वीडियो बना नहीं पाया, चाय वाय पी के खाना वाना पैक करवा के रूम आ गए थे, रूम आने का खाना वाना खा लिया बढ़िया करके, कोई सीन ही नहीं है, मतलब है ना, पेट पूजा फिर काम दूजा वाला सीन है अपना, पेट पूजा कर लिया है फिर आपके सामने भी उपस्थित होना पड़ता है, बस आज थोड़ा सा सिस्टम खराब सा हो गया था, तो बस यही है, है ना, पूरे दिन आपने देख ही लिया था क्या क्या, ज़्यादा खास नहीं था आज का दिन, बस ऐसे सिस्टम चला दिया तो ठीक है, है ना, कोई लोड नहीं है, बाकी तुम्हें पता ये सीन क्या होता है, फुल पावर होता है, तो ठीक है। जैसे भी आपको वीडियो लगी, ब्लॉग लगा हुआ, तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और क्या बात ऐसी है, खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो, स्माइल करते रहो, है ना, नेचर को सेव करो, ट्रीज लगाओ, ट्री बचाओ, नॉलेज लेते रहो, एजुकेशन लेते रहो, है ना, तो ऐसे वाला सिस्टम है। जय शंकर महाराज, पीस आउट।